मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं गौतम सिन्हा आप सभी को स्टूडेंट नगरी में स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों आज हम एक चीज लेकर आए हैं आपके लिए, क्यू रूट निकालने के लिए सबसे बेहतरीन टॉपिक है किस टाइप से हम शॉर्ट में क्यू रूट निकालें। तो देखिएगा, क्यू रूट निकालने के पहले सबसे पहले कुछ आपको आवश्यकता है, वो आपकी आवश्यकता क्या चीज है। देखिएगा, यदि आप कॉम्पिटेटिव स्टूडेंट हैं, SSC लेवल के कर रहे हैं या किसी भी लेवल के कर रहे हैं, तो आपको हर हालत में क्यू रूट की जरूरत पड़ने वाला है। वो क्यू रूट किस टाइप से हम लोग पढ़ेंगे, किस टाइप से देखेंगे, उसके लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन है, यानी जो हमारा रूल फॉलो होगा वो कुछ आपका कंडीशन फॉलो करेगा। वो आपका पहला कंडीशन है कि आपको एक से लेके कम से कम 15 तक के क्यू याद होनी चाहिए। जी हाँ, जैसे एग्जाम्पल में बताते हैं, यहां पर एक का क्यू 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, इसी प्रकार आपका 15 का 33, 75 तक याद करना होगा। यहां तो हम याद आपको नहीं करवा सकते, ये खुद आपको करना है। लेकिन आपको एक काम हम बताते हैं, आप याद कीजिए। और आपको बता दें कि मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें करने के बाद सबसे ज्यादा प्रैक्टिस हम यूट्यूब पे लाए हैं। कोई भी ऐसा नहीं होगा कि जो हमसे ज्यादा प्रैक्टिस करा देगा आपको यूट्यूब चैनल पे। जैसे देखिए, ये आपका 1 से 25 तक के केवल आपको होमवर्क के रूप में समझिए, आपका PDF मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक दिया हुआ रहेगा। यदि आप हमारा इसके पहले वाला वीडियो जो स्क्वायर रूट किस टाइप से निकालते हैं, उसका लिंक हम आई बटन पे जो आपके दाहिने साइड कॉर्नर में नजर आएगा थ्री डॉट वाला, उसको आप क्लिक करके वहां से देख सकते हैं। और लेकिन बता रहे हैं, ये आपका टेलीग्राम चैनल पे हम डाल देंगे अपने स्टूडेंट नगरी के नाम से, जिसका लिंक दिया हुआ, वहां से डाउनलोड करके आप इसको क्या कीजिए, बनाइए। और इसका आंसर भी साथ में होगा, लेकिन यहाँ पे आंसर आपको नहीं दिखा रहे हैं। आंसर पहले बनाइए, 2 दिन बाद हम आंसर डाल देंगे। आंसर के साथ एक बार फिर PDF डाउनलोड करेंगे, वहां से बना लीजिएगा। तो चलते हैं हम, देखिएगा यहां से क्यू रूट याद करने के बाद आपको दो चीज याद करना है, केवल कॉन्सेप्ट याद नहीं करना है, समझना है। देखिएगा चेंज और नो चेंज, क्या चीज है। सबसे पहले बेहतरीन ढंग से समझिए इसको, चेंज और नो चेंज। जैसे देखिएगा, यहां पे इसका लास्ट डिजिट 1 है, तो यहां भी 1 है, 1 है तो 1 है, चेंज हुआ नो चेंज, यानी 1 है जो नो चेंज की कैटेगरी में। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, 5, ये 15 है, तो आपको 15 को फोकस नहीं करना है श्रीमान जी, आपको फोकस करना है 5 को, लास्ट वाले अंक को। देखिए क्या 5 का जो क्यू निकाले हैं, घनमूल निकाले हैं, घन निकाले हैं, क्या वो चेंज हुआ है, नहीं चेंज हुआ है। 5 का 5, तो ये भी हो गया 5 में। आइए देखते हैं 6 पे, यहां पे 6 है, ये भी 6 है, क्या चेंज हुआ है, नहीं, तो नो चेंज में गया। चलिए आइए देखते हैं 4 का, 4 का होता है 64, यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, ये भी आपका नो चेंज है श्रीमान जी, सॉरी, ये भी आपका नो चेंज है। इसके बाद बढ़ते हैं, 1 हम देख चुके हैं। आइए देखते हैं 2 में, 2 चेंज हो रहा है 8 में, यानी 2 है तो चेंज हो रहा है किस में, 8 में चेंज हो रहा है आपका। 3 चेंज हो रहा है 27 में, 3 चेंज हो रहा है आपका 27 में। आगे बढ़िए, 4 का 4 यानी 4 नो चेंज हो रहा है, 5 भी आपका नो चेंज हो रहा है, 6 भी आपका, देखिए यहाँ 6, यहाँ लास्ट में भी यहाँ पे 6, यानी 6 जो नो चेंज की कैटेगरी में आएगा। लेकिन देखिए 7 चेंज हो रहा है, 7 चेंज हो रहा है 3 में, यानी यहां सब कह सकते हैं कि 3 चेंज हो रहा है 7 में और 7 चेंज हो रहा है 3 में। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि 3 चेंज हो रहा है 7 में और 7 चेंज हो रहा है 3 में। चलिए इसके बाद और देखते हैं हम लोग आगे क्या है, 8 चेंज हो रहा है 2 में, यानी 2 चेंज हो रहा है 8 में और 8 चेंज हो रहा है 2 में। ये आपका कॉन्सेप्ट याद रखना श्रीमान जी, बस ये याद कर लीजिए। आपको 100% चुटकी बजाते समय, चुटकी बजाने में कितना समय, मात्र 2 सेकंड। इसका मेरा पहला वीडियो था, 1 सेकंड में था, अच्छे अच्छे वर्गमूल का क्वेश्चन हम लोग सोल्व आउट किए थे, लेकिन ये आपका 2 सेकंड, मात्र 2 सेकंड चुटकी में सोल्व होगा आपका ये क्वेश्चन। आइए देखिए सबसे पहले किस प्रकार से चेंज करना है 2 सेकंड में, लेकिन उसके पहले आपको चेंज और नो चेंज याद होनी चाहिए कि कौन चेंज करेगा कौन चेंज नहीं करेगा। 2 चेंज करेगा 8 में, 8 चेंज करेगा 2 में, 3 चेंज करेगा 7 में और 7 चेंज करेगा, 7 चेंज करेगा बोलिए 3 में। चलिए ठीक है, प्लस 1 से लेके आपको 15 तक का क्यू याद होनी चाहिए। चलिए देखते हैं, यहां से हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हम एक कॉन्सेप्ट बताते हैं, आपको 8 का घनमूल निकालना है, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं। सबसे पहले हम लोग घनमूल 2 तरीका से केवल निकाल सकते हैं, एक हम लोग गुणनखंड विधि से निकालते हैं और एक जो कॉन्सेप्ट मेथड है, जो शॉर्ट विधि समझिए, फुली कॉन्सेप्ट जो भी करना है इसको जो नाम दे दीजिए, शॉर्ट मेथड से निकाल सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों देखते हैं सबसे पहला एग्जांपल, हम 10, 6, 4,
8, जब इसको हम लोग के घनमूल निकाला, घनमूल का सिंबल आपका ये होता है, चलिए इसका शॉर्ट होता है, उसको शॉर्ट में भी निकालते हैं, लेकिन शॉर्ट की चर्चा अभी हम नहीं करेंगे, इसके बाद हम शॉर्ट की चर्चा करेंगे, लेकिन पर हम लोग इस विधि के देख लेते हैं। देखिएगा लास्ट में आपका 8 है, जब यदि आपका लास्ट लास्ट में आपका 8 है तो इसमें आप देखिए चूज कीजिए कि लास्ट में 8 है तो वो चेंज होता है कि नहीं होता। देखिए लास्ट में 8 है आपका यहाँ पे, तो देखिए लास्ट में आपका 8 यहाँ पे चेंज हो रहा है 2 में, यहाँ से भी केयर कर सकते हैं, या 2 चेंज हो रहा है माफ कीजिएगा, 2 चेंज हो रहा है 8 में, 8 चेंज हो रहा है 2 में, तो यहाँ से आपका 8 है, ये आपका 8 है, यानी इसका लास्ट डिजिट आपका 2 कन्फर्म है। आइए अब आते हैं 10 की। 10 के चलने से पहले सबसे पहले आपको एक हम भागा पहले चलते हैं, भागा देखिए 300 भागा दे रहे हैं 13 में। अब भागा लगाइए, जब तक भागा तब तक नहीं लगाते, जब तक कि एक स्टेप इससे आगे नहीं मिले तो उसके पीछे वाला लगाते, जैसे 3 × 3 × 3 = 6 × 3 = 9 × 3 = 12 अभी तक छोटा था, 3 × 5 = 15, जब 5 टाइम्स में ज्यादा हो रहा है तो 4 टाइम्स से लगाते हैं, उसी प्रकार भी यहां भी वही करना। आप देखिए यहां पे कि जो क्यू है जो 10 से कब पार कर रहा है, 10 से कब ज्यादा हो रहा है, 1 का Q 1 होता है, 2 का Q 8 है, 10 से अभी कम है, 3 का Q होता है 27, ज्यादा हो गया 10 से, 3 टाइम्स में ज्यादा हो रहा है तो कितने टाइम्स में लगेगा, 8 में, यानी आपका क्यू रूट है आपका 82 का, ये किसका क्यू रूट है, 10 × 648 आपका 82 का है। देखिए एक एग्जांपल और देखते हैं इसी पे, हम लोग एकदम आराम आराम से देखेंगे एकदम। देखिएगा अगला हमारा है 5832, इसको हमको घनमूल निकालना है, तो इसको घनमूल निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग वही काम करेंगे जो काम इसके पहले किए थे। सबसे पहले आप दाहिने साइड से 3 अंक पे स्केच अलग कीजिए, कितने स्केच, 3 अंक पे स्केच कीजिए 3 डिजिट पे, और बताइए 2 चेंज कर रहा है कि नहीं करता है। चलिए 2 चेंज करता है, चेंज किस में करता है जी, 2 चेंज करता है 8 में, और 8 चेंज किया था 2 में, तो यहाँ पर इसका कंफर्म है कि इसका लास्ट में आंसर 8 होगा। यदि आपके पास 4 ऑप्शन है तो 4 ऑप्शन से भी आप सोल्व आउट कर लीजिएगा, इसको किस प्रकार से सोल्व आउट कीजिएगा देखिएगा, जैसे 18 कुछ भी आ जाए जिसके लास्ट में दिए एक ही संख्या में 8 है तो आप उसको हिट कर सकते हैं, सही हो जाएगा। लेकिन आइए देखिए यहाँ पे आपका 5 है, 1 का Q 1, 2 का Q 8, यानी 2 टाइम्स में ज्यादा हो रही तो 5 है, तो इसका डायरेक्ट आंसर होगा 1 = 18। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे, इसके बाद हमारा अगला एग्जाम्पल होगा, ध्यान से देखिएगा, 35937, 35937 लास्ट 3 अंक डिजिट पे हम स्केच करेंगे। चलिए इसको स्केच कर दिए तो यहाँ पे आया 7, बताइए 7 चेंज होता है कि नहीं होता, 7 चेंज होता है, 7 चेंज होता है 3 में, चलिए यानी इसका तो कन्फर्म है इसका आंसर 3 होगा लास्ट में। अब आइए 35 की कहानी सुनाते हैं, देखिए 35 क्या कहता है, 35 यहाँ पे क्या कहता है हमारा, 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 4 टाइम्स में ज्यादा हो रहा तो कितने टाइम्स में आएगा, 3 टाइम्स, यानी आपका 33 का है। ये भी हम सोल्व आउट कर लिए, ये भी सोल्व आउट कर लिए, ये भी सोल्व आउट कर लिए। आइए अब देखते हैं हम लोग ये वाला, देखते हैं ये वाला आपके भरोसे छोड़ रहे हैं, बना के कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए इसके बाद हमारा 68991, 68991 का हम लोग चर्चा करते हैं, लेकिन सबसे पहले देखिए इसका लास्ट में क्या चीज है, सॉरी 68981 जी माफ कीजिएगा, 68921 स्केच कर दिए लास्ट 3 अंक, तो बताइए लास्ट जब आप 3 अंक स्केच किए तो लास्ट में क्या बचा, आपके पास लास्ट में बचा 1, बताइए 1 चेंज करता है कि नहीं करता, 1 नो चेंज करता, तो 1 का आंसर 1 हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं 68 है आपके पास, 4 का होता है 64, 5 का होता है ज्यादा, 5 का 125 न हो रहा है, 4 का 64, तो यहां पर ही हो जाएगा, ये आपका आएगा 41 का। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, अगला हमारा है इस टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं, कितना है जी, देखिएगा ये आपका क्वेश्चन है 17 56 16, 17 56 16, जब आपके पास 17 56 16 है तो लास्ट में 3 अंक पर स्केच कीजिए, बताइए 6 है, जब आपके पास 6 है तो बताइए 6 चेंज करता है कि नहीं करता, 6 चेंज आपका नहीं करता है, 6 आपका चेंज नहीं करेगा तो 6 का 6 हो जाएगा। अब बताइए 175 है, 175, 5 का होता है 125, 6 का होता है 216, तो 6 में ज्यादा हो रहा था कितने में आएगा, 5 में 56, यानी इसका आंसर आएगा 56। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे आप 2 बना के कमेंट में जरूर लिखिएगा, इसका आंसर क्वेश्चन नंबर दीजिएगा 1 और इसका क्वेश्चन नंबर दीजिएगा 2। यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो इसे जरूर बनाइए, और साथ में इसका PDF आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे, वहां से आप लोग डाउनलोड करके
इससे घर पे जरूर प्रैक्टिस कीजिए। इसका आंसर आप मोबाइल से भी मिला सकते हैं, आप अपने घर में मोबाइल है उससे मिलाइए, या तो फिर इसका आंसर हम डाल देंगे, आप जरूर प्रैक्टिस कीजिए। हम इतना विश्वास दिलाते हैं कि हमसे ज्यादा प्रैक्टिस आपको कहीं नहीं मिलेगा, इतना सारे क्वेश्चन पीडीएफ भी आपके मिल रहे हैं। तो इसी के साथ अब हम चलते हैं, जय हिंद जय भारत।